वित्त मंत्री अरुण जेटली अच खोलन की उम्मीदा का पिटारा दोपहर 11 बजे पेश करेंगे बजट पीएम ने बजट में दसिया परीक्षा अज सी पंजाब हरियाणा हिमाचल से वेखो बजट की सब तो वड्डी कवरेज दिन भर आम बजट टैक्स पेयर्स वड्डी राहत संभव 3 लाख तक बच सकती है इनकम से टैक्स छूट महिला ते बुजुर्गों के लिए वड्डे ऐलान संभव किसानों के लिए वड्डा ऐलान संभव पंजाब हरियाणा हिमाचल के किसानों है बजट तो राहत की उम्मीद खेतीबाड़ी सैक्टर खेतीबाड़ी खेतर को लेकर बजट में हो सकते हैं कई वड्डे ऐलान अर्थव्यवस्था को पटड़ी से लियाना होगा एक वड्डी चुनौती पहली बार घर खरीद वालों को मिल सकता है वित्त मंत्री का तोहफा एलईडी टीवी लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक समान हो सकते हैं सस्ते बजट लगा सिंटैक्स का बदलेंगे सिगरेट शराब तंबाकू कोल्ड ड्रिंक से रेट अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का अच आखिरी दिन अजय माकन तो बाद अच शीला दीक्षित खोलेंगे केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा कल माकन ने दिल्ली केजरीवाल के 1 साल के कार्यकाल दसिया जीरो पंजाब च उद्योगपतियों की समस्या को लेकर केजरीवाल ने सूबा सरकार से साधे निशाने क्या भ्रष्टाचार उद्योगपतियों की समस्या की जड़ दिल्ली के रैन बसेरिया च रहने वालों की नशे की ओवरडोज करके हुई मौतों से केजरीवाल ने दी सफाई क्या मौतों के आंकड़े उन्होंने सरकार तो पहला तो नहीं अकाली दल की दिल्ली इकाई वालों रैन बसेरिया च ड्रग की ओवरडोज न हुई मौतों के आंकड़ों नाल केजरीवाल से किए गए सन हमले आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज संजय सिंह वालों जलंधर च प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पंजाब दौरे तो सारिया सियासी पार्टियां घबरा गई ने उन्होंने सफल दौरे को रोकने वास्ते तरह तरह के हथकंडे अपना रही ने दिल्ली कांग्रेसी प्रधान अजय माकन का केजरीवाल से हल्ला बोल कांग्रेसी रिपोर्ट कार्ड च केजरीवाल सरकार को जीरो नंबर कहा कि पंजाब के लोग दिल्ली वाली गलती ना दोहरा अजय माकन ने लगाया इल्जाम दिल्ली की केजरीवाल सरकार इश्तहारा से बाहरी पैसा इश्तहारा जरिए झूठे तथ्य किए जा रहे पेश संजय सिंह ने कांग्रेस के आगू अजय माकन वालों लगाए इल्जामों को बेबुनियाद दसिया से कहा कि जो इल्जाम साबित होंगे ने तो सियासत तो संन्यास ले लेंगे केजरीवाल ने रखिया पंजाब दे दुख दे रखते हाथ बटाला च नशा पीड़ित परिवारों ने की मुलाकात क्या सत्ता चाहे तो नशे नु करांगे जड़ तो खत्म केजरीवाल दे फेरी का विरोध गुरदासपुर फेरी के विरोध च बटाला च बीजेपी का रोड मार्च केजरीवाल गो बैक दे लगाए नारे भीड़ खदेड़न लई पुलिस ने किया लाठीचार्ज अच दिल्ली होगी हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक जाट राखवेकरण से मूथल मुद्दे से होगी चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे बैठक की प्रधानगी मूथल कथित रेप केस च सोनीपत के महिला थाने च 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हरियाणा सरकार ने पंजाब भेजी जांच टीम चश्मदीद अपने बयान तो पलटिया डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम ने कहा है कि सरकार को आर्थिक आधार से राखवाकरण देना चाहिए है डेरा प्रमुख ने जाट अंदोलन के दौरान हुई हिंसा की भी निंदा की उन्होंने कहा कि इस दौरान डेरा के आश्रम और डेरा प्रेमियों के घर भी साड़े गए डेरा मुखी ने पीड़ितों को अपने वालों आर्थिक मदद देने की भी गल कही हिमाचल विधानसभा के बजट सैशन का अज तीजा दिन आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स तो विरोधी धिर पीलिया के मुद्दे से कर सकता है तिखे सवाल जवाब सैशन के हंगामेदार रहने के आसार शिमला च हिमाचल हाईकोर्ट कॉम्पलैक्स विशेष सैमीनार का प्रबंध चीफ जस्टिस मीर ने औरतों से हो रहे शोषण और अन्याय से जताई चिंता हैदराबाद च कोर्ट के हुक्म तो बाद राहुल गांधी सीताराम येचुरी और केजरीवाल सने 9 लोगों से देश द्रोह का केस जेएनयू च देश द्रोह के मुलजम विद्यार्थी की हमायत का इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो जरिए सतारवीं बार की मन की बात विद्यार्थियों को किया संबोधन कि अपने टीचे खुद बनाओ शुभकामनावां दिंदिया कहा कि परीक्षा नूं अंकां दी खेड ना बनाओ
पंजाब सरकार ने पूरे सूबे च आर्मी की वर्दी की खुली विक्री लगाई मुकम्मल पाबंदी। वर्दी वेचण लई जरूरी होगी लैनी प्रवानगी। खरीदार नूं भी अपना पहचान पत्र समेत सारी जानकारी देनी होगी लाजमी। वाहन ते सियासी पार्टियां दे स्टीकर लगाउण ते भी लगाई रोक। चंडीगढ़ प्रेस क्लब च पंजाब दे सरकारी स्कूलों तो चुने गए 18 बच्चों नूं 50,000 के चेक और गिफ्ट ना सम्मानित किया गया। इस दौरान वातावरण प्रेमी बलबीर सिंह सीचेवाल ने चेक तकसीम किए। इस दौरान बीजेपी आगू विनीत जोशी भी मौजूद रहे। धर्मशाला चोन वाले भारत पाकिस्तान T20 मैच से छिड़ी महाभारत। कांग्रेस ने किया मैच करवाउण दा इह नहीं है सही समां। शांता कुमार की चिंता बिल्कुल सही। विराट कोहली ते मैच फीस का 30% जुर्माना। पाकिस्तान के खिलाफ LBW आउट देने अंपायर के फैसले से जताया से एतराज़।